आज मेरे पास है एक ऐसी स्मार्ट वॉच जो काफी हाइप में है, Huawei Watch GT 4। ये वॉच काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, स्लीक डिजाइन है इसमें और काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो दूसरे वॉच में होते हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि अगर आप स्मार्ट वॉच लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 15,000 के अंदर ये वॉच है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट आपके सजेशन के लिए, रेफरेंस के लिए ये वॉच आप जरूर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन काफी अच्छा है, देखने में काफी स्लीक लगती है वॉच, ज्यादा भारी नहीं है और दो साइज में 46 और 41 mm में इसे लिया जा सकता है। 46 mm जो स्टेनलेस स्टील का वेरियंट है, इसमें आपको बेसिकली एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो काफी वाइब्रेंट है, कलर्स काफी अच्छे हैं, टेक्स्ट सब कुछ देख पाएंगे आप अच्छे से, जो भी कॉन्टेंट है इस वॉच पे आप सब कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे वॉच फॉर एग्जाम्पल एप्पल वॉच से ब्राइटनेस की तुलना करेंगे तो ब्राइटनेस कम है, 6 निट्स तक इसकी ब्राइटनेस जाती है जो कि एप्पल वॉच के कंपैरिजन में काफी कम है क्योंकि इसको 2000 निट्स तक ब्राइटनेस जाती है, तो हालांकि उसे कंपेयर करना गलत होगा। एक और जो चीज है जो मुझे पसंद आई इस वॉच में वो इसका कस्टमाइजेबल वॉच फेस है और वॉच फेस काफी अच्छे अच्छे दिए गए हैं, काफी कैजुअल फॉर्मल लुकिंग वॉचेस वॉच के आपको वॉच फेस मिलेंगे। वॉच का इंटरफेस काफी स्मूथ है, इसमें हार्मोनी ओएस 4 दिया गया है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है काफी स्ट्रीमलाइंड है और बहुत सारे इसमें विजेट्स दिए गए हैं जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ही आप राइट स्वाइप करते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इसका हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग काफी अच्छा काम करता है। इसमें ट्रू स्क्रीन TM5.5 प्लस ऑप्टिकल सेंसर यूज होता है जो आपका 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर करता रहता है। आप SpO2 भी मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें भी आप लगातार मॉनिटरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ऐप से। स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी फीचर है जो भी लगातार आप मॉनिटर कर सकते हैं और स्किन टेम्परेचर भी आपको इसमें पता चल जाता है कि आपकी स्किन की टेम्परेचर क्या है, उससे आप फीवर वगैरह जान सकते हैं। बट रिमेम्बर वन थिंग, फीवर है तो आप इससे टेस्ट करके रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जस्ट स्किन टेम्परेचर आपका बताता है। इसमें स्लीप मॉनिटरिंग भी है, कंपनी दावा करती है कि स्लीप एपनिया डिटेक्शन जैसे फीचर्स भी हैं, बट अभी तक मैंने उसे यूज नहीं किया, जब यूज करूंगा तो हो सकता है मैं इसके बारे में कुछ लिखूं। कई सारे इसमें वर्कआउट मोड दिए गए हैं, 100 से ज्यादा डिफरेंट एक्सरसाइजेस का आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं, सेट करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट द थिंग, इसकी स्लीप ट्रैकिंग उतनी अच्छी नहीं है बिकॉज वेक टाइम जो स्लीप में होता है वो उतने अच्छे से ये ट्रैक नहीं कर पाता है। बट ओवरऑल मतलब मोटे तौर पे स्लीप के सारे जो फेजेस होते हैं, रेम स्लीप, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, ये सारी चीजें ये आसानी से ट्रैक करता है। फॉर एग्जांपल स्विमिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो इससे ट्रैक कर सकते हैं। वो फीचर मुझे थोड़ा दिलचस्प लगा क्योंकि ये सारी चीजें आपको उसी वॉच में मिल सकती है जिसमें IP68 वाटर रेजिस्टेंट हो, तो इसमें आपको 5 ATM की वाटर रेजिस्टेंस मिलती है प्लस IP68 वाटर रेजिस्टेंट भी है, यानी आप डाइव कर सकते हो, आप इसे पहन करके आराम से स्विमिंग भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके फाइनल पॉइंट के बारे में, बैटरी लाइफ के बारे में। तो बैटरी लाइफ किसी भी स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल वॉच को ले लीजिए या फिर दूसरे स्मार्ट वॉच को ले लीजिए तो 1-2 दिन से ज्यादा मुश्किल से ही आपको बैटरी लाइफ मिलती है। एक स्मार्ट वॉच मैंने रिव्यू की थी OnePlus की, उससे मुझे 6-7 दिन की बैटरी बैकअप मिल जाती है। इसके साथ भी वही है, आप 5-6 दिन अगर नॉर्मल यूज में करते हैं तो इसकी बैटरी बैकअप मिल जाती है। बट द थिंग इज कि आप अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करके ब्राइटनेस ज्यादा करके रखेंगे तो 1-2 दिन से ज्यादा इसकी बैटरी नहीं चलेगी। बैटरी लाइफ इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप जो आपने सेंसर्स को, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट सेंसर, SpO2 मॉनिटर या फिर जो स्ट्रेस मॉनिटर है उसे आप लगातार ट्रैक करते रह रहे हैं तो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट दिखेगा, यानी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी, रिजल्ट ज्यादा बेटर दिखेगा। ये सारी चीजें ऑफ करके रखेंगे तो और 2-3 दिन बैटरी बैकअप इसका बढ़ा सकते हैं बट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अब कुछ लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका इकोसिस्टम काफी लिमिटेड है, Huawei वॉच है, Huawei के दूसरे प्रोडक्ट्स मार्केट में है नहीं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया मार्केट में नहीं है, और सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा सा कंपनी को काम करने की जरूरत है। कई सारे ऐप्स का सपोर्ट नहीं है जो होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल Spotify जैसे पॉपुलर ऐप्स हैं, इसमें आपको उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी दे दे, बट आई डोंट थिंक सो। तो वो थोड़ा इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है, आफ्टर सेल सर्विस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि Huawei इंडिया में दूसरे प्रोडक्ट्स इतनी एग्रेसिवली लॉन्च नहीं करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोग इसे कैसे परसीव करते हैं, किस तरीके से पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। बट ओवरऑल ये एक डिसेंट स्मार्ट वॉच है, 15,000 की कैटेगरी में इसे खरीदा जा सकता है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके बारे में मैंने बताया।